आज के वीडियो में मैं अपने माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में अपने व्यूअर्स को बुलाने जा रहा हूँ, बट मैं उन्हें ऐसे ही नहीं बुलाऊंगा, मेरे पास उनके लिए तोहफा भी है। वो जैसे ही मेरे वर्ल्ड में आएंगे उनको ये ओपी लूट दी जाएगी। तो फिर आपको क्या लगता है, मेरे यूट्यूब के व्यूअर्स मेरा ये सुंदर सा माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर देंगे, या फिर मेरे इतने ज्यादा हार्डवर्क की रिस्पेक्ट करते हुए इस वर्ल्ड को इंटैक्ट रखेंगे? इसी का आंसर पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कुछ रेगुलर व्यूअर्स 5 फ्रेंड्स मेरे वर्ल्ड में आ गए और मैंने उनको लूट देना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में सब अच्छा चल रहा था, फिर उन्होंने बोला कि उनको मेरा ह्यूज गोल्ड फार्म देखना है जो मैंने इस वर्ल्ड में बनाया था। बाय द वे, आप इसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो। उसके बाद गोल्ड फार्म के नीचे उतरते ही मैंने उनके लिए एक पोर्टल बना दिया, और ये थी मेरी पहली सबसे बड़ी गलती, क्योंकि उस पोर्टल ने हमें एक केव में स्पॉन करवा दिया और वहाँ पे मेरे व्यूअर्स पे बहुत सारे मॉब्स ने अटैक कर दिया। ओ भाई साहब, हम ये कहाँ पे आ गए? अरे यहाँ से जल्दी भागो, वरना तुम सब मर जाओगे यहीं पे। फिर हम जैसे जैसे करके उस केव से बाहर निकल आए, और बाहर निकलते ही उन्होंने मुझसे मांगी दूसरी विश। वो थी कि उनको मेरा डस्ट टू का मैप देखना था। हाँ, मैंने इस माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड के अंदर काउंटर स्ट्राइक का डस्ट टू मैप बनाया है। तो डस्ट टू के मैप के अंदर थोड़ा सा घूमने के बाद हमने डिसाइड करा कि अब हम करेंगे पीवीपी। तो एज यू कैन सी, पीवीपी भी काफी बढ़िया चल रही थी। लाइक किसको पसंद नहीं है ओपी लूट के साथ एक दूसरे को मारते वक्त माउस क्लिक को पूरी तरह स्पैम करना। हाँ, यही तो फन पार्ट है माइनक्राफ्ट का। और हमें बहुत मजे भी आ रहे थे, चारों तरफ एंट्रीज़ फूट रहे थे, पूरा वॉर लाइक सिचुएशन हो गया था। बट तभी एक स्मार्ट आदमी ने वेदर स्पॉन कर दिए, पर हमारे पास तो ऑलरेडी ओपी लूट थी तो वेदर को मारना इतना भी मुश्किल नहीं था। 3-3 वेदर्स अटैक कर रहे थे, फिर भी हम टोटली चिल थे। पर उन वेदर्स को हराते हराते मेरा डस्ट का मैप पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो यस, मेरे व्यूअर्स ने मेरा एक स्ट्रक्चर तो तोड़ ही दिया। उसके बाद हमने शुरू किया अपना तीसरा मिशन, जो था एंडर ड्रैगन को रिस्पॉन करके उसको फिर से मार देना। तो हम सब लोग अपने एंड पोर्टल की तरफ निकल पड़े, और एंड पे जाते ही एंड क्रिस्टल की मदद से हमने एंडर ड्रैगन को रिस्पॉन करना शुरू कर दिया। और जैसे ही एंडर ड्रैगन स्पॉन हुआ, वैसे ही सच बोलूं तो अपने फ्रेंड्स के साथ एंडर ड्रैगन को मारने में काफी मजा आता है, और थोड़े से टीम वर्क के बाद हमने उसे मार भी दिया। मैं हूं पहला इंसान जो आपको दिखा रहा हूं कि एंड क्रिस्टल से ड्रैगन को कैसे मारते हैं। लोग बेड्स यूज करते हैं और आई डोंट नो क्या क्या यूज करते हैं, पर मैं पहला बंदा हूँ जिसने एंड क्रिस्टल से ड्रैगन को मारा है। तो अपने व्यूअर्स के साथ माइनक्राफ्ट खेलने में मुझे बहुत ज्यादा मजे आए, बट आई वांट कि नेक्स्ट स्ट्रीम में आप भी मेरे साथ खेलो। तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करो और मेरी नेक्स्ट स्ट्रीम मिस मत करना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।